रोहतक पानीपत हाईवे पर मकडोली टोल प्लाजा से दूसरे दिन भी वाहन बिना टोल दिए ही गुजरे। टोल प्रबंधन की ओर से यहां पर कर्मचारी भी तैनात नहीं किए गए हैं और टोल को पूरी तरह से खोल दिया गया है। वहीं किसानों ने टोल प्लाजा के नजदीक ही धरना दे रखा है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। आपका जो ये चल रहा है तीन दिन का, मेरा नाम संजू डा और मेरा गांव चमारिया है। अच्छा, जो कितने दिन का है टोल फ्री का जो कार्यक्रम है, कितने दिन? ये टोल फ्री का जो सांझा किसान मोर्चा उसकी तरफ से 25, 26, 27 तारीख का ऐलान हुआ था और हमने आज सुबह 6 बजे ही इसको फ्री कर दिया था। तो आप ये जो तीनों कानून है इसका विरोध कर रहे हैं और कब तक ये आपका आंदोलन? देखो जी, हमें हमारा वैसे तो किसान यूनियन की तरफ से पंजाब हरियाणा तकरीबन ये जन आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन ना हो गया, जन आंदोलन हो गया है। ये आज 1 महीना हो गया लेकिन यहाँ हम बैठे 11 दिन हो गए हैं, जिसमें से हमारी आमरण अनशन था जिसमें 8 दिन मैं था, लेकिन मेरे गांव की पंचायत की तरफ से ये कहा गया कि ये जो लड़ाई है वो खा पी के लड़ी जाएगी, ना कि अनशन पे। अब अनशन पे एक हमारा भाई है राजू मकडोली, और जब तक ये जारी रहेगा जब तक सरकार तीनों कानून, ये काले कानून वापिस नहीं ले लेती और MSP पे गारंटी नहीं बना लेती। नाम बताता हूँ, रामा उड्डा, मुख्य वक्ता उड्डा खान, 18 संगठन महागठबंधन प्रेसिडेंट, 18 संगठन महागठबंधन प्रेसिडेंट। अच्छा, आप आड़े बैठे हो, धरने पे क्यों बैठे हो? हरियाणा, हम इन तीन कानूनों के खिलाफ बैठे हैं। ये तीन कानून जो है किसान के लिए हानिकारक हैं, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। मोदी सरकार 6 साल से कोई न कोई ऐसा कानून बनाती है कि जिससे किसान नफरत जाहिर करता है। फसल बीमा प्रोजेक्ट लगाया, 500 रुपये एकड़ के हिसाब से लगाया, उसको बढ़ाकर 1650 रुपये प्रति एकड़ कर दिया। किसान अपने पशु का बीमा नहीं करवा सकता, किसान अपने शरीर का बीमा नहीं करवा सकता, तो ये किसान फसल का बीमा कैसे करवा सकता है? किसान के सर पर पहले ही कर्जा होता है, कर्जे में किसान डूबा रहता है और सरकार किसान को बर्बाद करने के लिए ऐसा कोई काला कानून बनाती है। जैसे कई ऐसा काला कानून बनाती है, ऐसे कोरोना काल में 3 कानून अध्यादेश जारी करती है। अब यहाँ पर कितने दिन तक बैठे रहोगे आप? किसान को पहले पता नहीं था कि किसान साता बोला है और किसान को बर्बाद करने के लिए इसने ये काले कानून बनाए। कितने दिन तक बैठोगे अब ये सरकार नहीं मानती? जब तक बैठेंगे, जब तक सरकार नहीं मानती है, चाहे कोई 1 साल लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए। हमारे भाई जो है दिल्ली गए हुए हैं, हम जाए अपने खेतों में भी काम करते हैं और यहाँ भी बैठते हैं और हमारा ये जो ये पूछ जो है।